की गोलियां मेरी हिम्मत को रोक और मेरी हिम्मत को कम नहीं कर सकती है। मैं आपके दरमियान में आता हूँ तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आए हैं कि आप मजलिस के जरिए से अपनी एक सियासी लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में बनाइए। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, याद रखिए आपके मसले मसाए हल होने वाले हैं। आपका फैसला था, मैं उसको सलाम और इज्जत करता हूँ, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मगर बताइए कितने समाजवादी पार्टी के नेता जीत कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी तकालीफ को बयान। मुस्लिम समुदाय का मामला जब आता है, हर चुनाव जब आता है, तो हम हमारे दरमियान में खड़े होकर कोई कहने वाला कह देता है कि भाइयों बहनों, अब सेकुलरिज्म को बचाना है, फिरका परस्ती को हराना है। यकीनन हराइए फिरका परस्ती को, कौन नहीं चाहता। ये फिरका परस्ती जो भारत को दीमक की तरह कमजोर कर रही है, ये नफरत जो भारत को ताकतवर बनाने से रोक रही है, मगर ये तो बताइए कि क्या सिर्फ इस आग को बुझाने का जिम्मा हमने लिया है? क्या इस नफरत का खात्मा करने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर है? फिरका परस्ती का खात्मा एक बहुत बड़ा बोझ है। तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब है जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कदम के एग्जाम में। उन्होंने दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ ओवर है की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के ओर हासिल करना है, इसीलिए तो जेल का मैं